పేరు కాలి మహేష్ ఏలియస్ రమేష్ తర్వాత సెకండ్ మెంబర్ రామస్వామి జహా తక్ ఉస్కా మూవ్మెంట్ కా సవాల్ హై తో హర్ మూవ్మెంట్ పెట్రోల్ కార్ కా కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ జో హమారే సిపి ఆఫీస్ మే హై థర్డ్ ఫ్లోర్ పే ఉస్కా హర్ మూవ్మెంట్ ఉస్కా ఆపరేషన్ కహాన్ జా రహే హై కిత్నా దేర్ రుక్ రహే హై యే సబ్ ఉస్కా మానిటరింగ్ హమ్ లోగ్ సెంట్రలైజ్డ్ సిపి ఆఫీస్ సే కర్తే హై ఉస్కా లింక్ డయల్ 100 ఫోన్ సే భీ హై डायल 100 फोन जो कोमपल्ली में जाता है वहां से उसको डायरेक्ट मैसेज भी आता है कि आपके लिए डायल 100 का एक इमरजेंसी कॉल किस एरिया से आया और वहां जो सबसे नजदीक का जो पेट्रोल कार है उसको ऑटोमेटिकली ये ट्रांसफर होता है। सर ये जो पेट्रोल कार में सर एरिया लिमिट भी रहेगा सर, एरिया से दूसरा पीएस लिमिट में भी जा सकता है इमरजेंसी पर? नहीं, इमरजेंसी दूसरी बात है, इमरजेंसी के लिए हमारे कमांड एंड कंट्रोल रूम डिसाइड करती है कि किसको कहां जाना है, लेकिन जहां तक ज्यूरिसडिक्शन का सवाल है, जहां तक बाउंड्री का सवाल है, हर पुलिस स्टेशन का अपना बाउंड्री है, लेकिन इमरजेंसी में विद परमिशन ऑफ कमांड एंड कंट्रोल रूम कोई भी पुलिस ऑफिसर कहीं भी जा सकता है। बाउंड्री को इमरजेंसी से कोई मतलब नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी है तो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। नमस्कार, हैदराबाद सिटी पुलिस नॉर्थ जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक नोटोरियस गैंग जिसके दो मेंबर हाउस बर्गलरी में पहले से इन्वॉल्व थे, आज उनकी गिरफ्तारी हुई। दोनों को अरेस्ट करने के बाद जो आइटम का रिकवरी हुआ जो आपके सामने आज पेश है, इसमें लगभग 367 ग्राम्स ऑफ गोल्ड आइटम, 1100 ग्राम्स ऑफ सिल्वर आइटम, लगभग 15 लाख रुपए का जिसका अमाउंट है। और ये जो दो क्रिमिनल हैं, इनका नाम काले महेश एलियस रमेश, सन ऑफ लेट के चिन्ना यमकुलू, एज 31 इयर्स, ऑक्यूपेशन कारपेंटर का काम करता है, जीबी मेटला मेडिचल मलकाजगिरी में, और इसके पहले भी ये हाउस बर्गलरी में इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। दूसरा रामास्वामी श्री साइलम गौड, जो कि शेल्टरर का भी काम करता था, और ये स्क्रैप बिजनेस डुंडीगल रिंग रोड में रहने वाला, और इसके ऊपर भी बहुत सारे केसेस हैं। अभी पिछले कुछ महीने में जो केस हुआ वो एक अलवाल पुलिस स्टेशन साइबराबाद का, क्राइम नंबर 597/2019, और तिरमलगिरी क्राइम नंबर 5/2020 हैदराबाद तिरमलगिरी का केस है, जिसमें कि गोल्ड ऑर्नामेंट 367 ग्राम्स, सिल्वर ऑर्नामेंट 1100 ग्राम्स, और आयरन रॉड, कटिंग प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर्स, ये सब जो टूल ऑफ क्राइम है, इनका भी रिकवरी हुआ। ये लोग दोनों पेच बशीराबाद पुलिस स्टेशन और एसआर नगर पुलिस स्टेशन में 2016 में इनको पीडी एक्ट के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई थी, और ये लोग दोनों लगभग 22 ऑफेंसेस में काले गणेश का पहले इन्वॉल्वमेंट है, और जो दूसरा है ये रामास्वामी श्री साइलम गौड़, इसका भी लगभग 41 केसेस में इन्वॉल्वमेंट है। ये पूरे डिटेक्शन ऑफ केसेस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल सीसीटीवी कैमरा का है,
और इसीलिए आपके चैनल की तरफ से, आपके प्रेस के तरफ से पब्लिक को मैं एक अपील करता हूं कि नेहरू सैंकम प्रोग्राम के तहत हैदराबाद में जो अभी तक 3,40,000 कैमरा के लगभग हैं, फिर भी अभी कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पे कैमरा की कमी है और उस स्पॉट्स को हमारे क्रिमिनल उसका एडवांटेज लेते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस तरह के जो गैप्स हैं उन सब जगह कैमरा लगाएं। हमारा टारगेट है कि हैदराबाद, सैदराबाद और राजकोंडा तीनों जगह मिलाकर 10,00,000 कैमरा होना चाहिए, जिसमें कि हैदराबाद को और भी बेहतर सेफ्टी और सिक्योरिटी का एटमोस्फेयर हम लोग दे सकें। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे डीसीपी टास्क फोर्स पी राधाकिशन राव और उनके साथ उनके टीम के इंस्पेक्टर जी राजशेखर रेड्डी और के नागेश्वर राव, एसआई राजशेखर रेड्डी, परमेश्वर श्रीकांत और पूरी नॉर्थ जोन की टीम मिलकर ये बहुत अच्छा काम किए। आज के इस प्रेस मीट में दो और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। पब्लिक कन्वीनियंस के लिए सिटीजन फ्रेंडली पुलिसिंग इनिशिएटिव के तहत जनवरी फर्स्ट वीक में हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से जो जीरो एफआईआर का एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च हुआ था, उसमें अभी तक लगभग 36 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं और इससे पब्लिक को कन्वीनियंस, पब्लिक के लिए है ये। और दूसरी चीज, जो हमारे पेट्रोल ऑफिसर्स, जो पेट्रोल कार ऑफिसर्स हर पुलिस स्टेशन में 2 या 3 है, हर रोज करीब 25 से 30 पिटिशन कलेक्ट कर रहे हैं और हर रोज 2 या 3 केसेस भी रजिस्टर होते हैं एफआईआर उनके तरफ से। तो ये पब्लिक सेफ्टी के लिए ही नहीं, पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए भी हम लोग हैं। और जिसे जो हमारे गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है, तेलंगाना गवर्नमेंट का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब गवर्नमेंट के कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई भी एजेंसी हो, उससे जो इंटरेक्शन करते हैं, जो पब्लिक का इंटरफेस होता है, वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए होना चाहिए और हैसल फ्री होना चाहिए। इसी ऑब्जेक्टिव के तहत ये दोनों इनिशिएटिव भी है। और आने वाले समय में पब्लिक को मैं आपके चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां तक संभव हो आप लोग पिटिशंस पेट्रोल व्हीकल को दीजिए और पेट्रोल व्हीकल आपको हेल्प करेंगे। अगर कुछ लोगों को एफआईआर लिखना नहीं आता है तो उसमें भी एफआईआर क्या कंप्लेन कैसे लिखा जाए, उसकी भी अलग से ट्रेनिंग हमारे पेट्रोल ऑफिसर्स को दी गई है और वो लोग आपको बताएंगे कि एफआईआर कैसे लिखना चाहिए, जिससे कि आपको पुलिस स्टेशन में या कहीं भी एफआईआर कंप्लेन देने में आपको आसान रहे। दैट्स ऑल।